राधा स्वामी इसको ठीक करो। राधा स्वामी 15 सितंबर के बाद आज आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। ये जो सत्संग की महिमा है इसका कोई पार नहीं है, इसका कोई पार नहीं है। आपको दो शब्द सुनाए हैं बच्चों ने, अशोक ने सुनाया है वो घर सबसे न्यारा, और इन्होंने सुनाया कि गुरु का रूप न्यारा। गुरु का रूप क्या है, दोनों की बात करूंगा। लेकिन ये बात कब होती है, ये साधारण रूप में नहीं हो सकती, ये जब भी होगी सत्संग में होगी, क्योंकि सत्संग में वाणी का सत्य रूप सामने आता है, वाणी कहती क्या है वो सामने आता है। इसलिए मैं आपको शब्द सुनाता हूँ, कबीर का शब्द निकालो। चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्ध पाइए। वो ज्ञान बुद्धि क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ो। कबीर साहब की शब्दावली भाग पहला, सतगुरु और शब्द महिमा। चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से हेते परम पद पाइए। ये दो लाइनें मैं ले रहा हूँ कबीर साहब की, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते, सच्ची बताता हूँ। मुझे आपकी संगत में बैठकर, बाबा फकीर जी महाराज की संगत लेकर जो समझ लगी वो मैं कहने जा रहा हूँ। इधर कबीर साहब ने अपने शब्द में कहा कि वो देश बहुत न्यारा है, वो अद्भुत है, क्योंकि वहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना पाप है, ना पुण्य है, ना कोई पूजा है, ना पाठ है, कुछ भी नहीं है। तो वो कैसे हो सकता है, सोचना है इस बात को। इधर इन्होंने बोला कि गुरु का रूप क्या है, उसकी हाट नहीं है, मांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना राज है, ना सत्य है, ना तम है, ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना सतोगुणी है, ना वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ऐसा कहा ना। तो दोनों बातों को समझने की कोशिश करो वो क्या कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की हाट चलो, इसके दो भाव मैं समझता हूँ, दो। एक है सत्संग हाट बाहर में, ये बाहर मुखी है। इस सत्संग में वहाँ जाने का रास्ता मिलता है, बाहर के सत्संग में तुम्हें सूझबूझ मिलती है। बुद्धि सबके पास है, देखो कोई इंसान शरीर के स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से और कारण रूप से फ्री नहीं है। सबके पास शरीर है, मन है और आत्मा है, और इसके अलावा चार चीज़ें और हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। ये चार चीज़ें और आपके अंदर हैं, मन चित्त बुद्ध। ये मन के चार रूप, तीन रूप हैं, मन चित्त बुद्ध, ये मन के ही तीन रूप हैं। मन क्या है, मन वास्तव में जो मेरी समझ में आया ये शलावा है। शलावा जानते, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला।
ये हमारी हस्ती को बात बहुत ऊंची करने लगा हूँ मैं, बात को समझना, ये हमारी हस्ती का दुरुपयोग करता है। जो हमारी असली हस्ती है उसका ये दुरुपयोग करता है। कैसे? तुम कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा पूरा ध्यान लगा हुआ है, वहाँ तुम्हारा मन और तुम्हारी अपनी हस्ती वहाँ लगी हुई है, उसको कहते हैं ध्यान, उसको कहते हैं ध्यान। क्योंकि संत मत में आता है सिमरन ध्यान, तीसरा आता है भजन, ये तीनों में बड़ा फर्क है। लेकिन सिमरन और ध्यान, ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक मन के साथ तुम्हारी हस्ती नहीं लगेगी। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान कब बनता है? नहीं तो मन तो दौड़ा हुआ है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इसको जब ठहर जाए, ये ठहरेगा कब? जब तुम्हारी असली हस्ती है जो तुम हो इसका साथ दोगे तो ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुक सकता। क्या कहा मैंने? तो क्या कहना कह रहे हैं दादा कबीर साहब? कह रहे हैं अपनी हाट में चलो, वहाँ के क्या मिलेगा? चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्ध लाइए, अपनी बुद्ध में ज्ञान प्राप्त करिए। बुद्धि तो है आपके पास लेकिन ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि मन क्या है, ये है सबसे बड़ी बात। मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कृपा करके मेरे पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा की जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि बच्चा कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना, तो जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मन की किताब पढ़नी किसने थी, किसने पढ़नी थी? मेरी सुरत ने पढ़नी थी। पकड़ा है बात को? मन किताब नहीं पढ़ता, सुरत किताब पढ़ती है। मन ठहरता है, मन ठहरता है तो किताब पढ़ी जाती है, मन नहीं ठहरेगा तो किताब नहीं पढ़ी जाएगी। क्या कहा मैंने? तो ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्ध पाइए। पहले ये समझो कि मन की ताकत जो है वो इसकी अपनी ताकत नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही ताकत है जिसका ये हनन करता है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने इसको हनुमान का नाम दिया है कि तुम्हारा मन हनुमान है, तुम्हारे मन में ही सब कुछ है। क्योंकि ये ताकत ऊपर की लेता है और आँख में बैठकर देखता है, ये ताकत ऊपर की लेता है तो मन कान में बैठकर सुनता है। तुम ध्यान ना दो, जो कोई मर्जी बोलता रहे, मैं जहाँ बोल रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, सुरत कहीं और है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए सत्संग में एक मन एक चित्त होकर बैठना पड़ता है। चित्त तभी बनेगा, मन चित्त तभी बनेगा जब मन ठहर जाएगा, तब चित्त बनेगा। और चित्त बनने के बाद इसमें बुद्धि निकलेगी, इसमें से तुम्हारे विचार अच्छे निकलेंगे, इसमें से तुम्हारी योजनाएं निकलेगी, इसमें से तुम्हारे नेक बद जो भी ख्याल है तुम्हारे वो निकलेंगे। तो उसको चेंज करना है, उसको तब्दील करना है। चित्त में बैठकर सोचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बात समझ गए मेरी बात को? तो क्या वहाँ गुरु का रूप है? वहाँ गुरु का रूप सूक्ष्म है, यही कहा दाता दयाल जी महाराज ने, मेरा रूप सूक्ष्म है। वहाँ गुरु का रूप सूक्ष्म हो जाता है, जब तुम ध्यान में चले जाते हो तो गुरु का रूप अंदर आ जाता है, वो भी रूप सूक्ष्म है। वो कशीर तो है नहीं, वो तुम्हारे मन की ताकत ने, सुरत की ताकत ने उसको इकट्ठा किया और जहाँ तुमने देख लिया वो तुम्हारी सुरत की ताकत है, तुम्हारे मन की ताकत नहीं है। और कबीर साहब ने कहा कि वहाँ कोई सुख दुख नहीं है, सुख दुख अपना पराया, तप जप दान पुण्य तीर्थ यात्रा ये सब कुछ कहाँ है? मन में है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ तुम करते हो वो मन के लेवल का है। जब हम मन की दायरे से बाहर निकल जाएंगे वहाँ हमारा सतपुरुष है। इसलिए बाबा फकीर जी ने कहा
कि पहले ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, बढ़ो, जब थक जाओगे तब इधर आना, फिर मन तुम्हें ताकत, तुम्हारी ताकत को तुम्हें चलावा नहीं करेगा। थके हुए को क्या करना, थका हुआ तो कहता बस अब मैं थक गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो दुनिया को नहीं मांगता, क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन मैंने देखा क्या है, मैं घूम कर आया हूँ, हर तरह के लोगों को मिला हूँ, हर तरह के समाज को मिला हूँ, हर तरह के काम करने वालों को मिला हूँ। क्या पाया मैंने कि दुनिया में मन की दौड़ लगी हुई है, किस चीज़ के लिए, स्थूल सुख को प्राप्त करने के लिए, बाहरी सुख, शरीर के सुख और मन के सुख, इसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, इसके पीछे दुनिया दौड़ रही है। और उस दौड़ में वो अपने बच्चों को भी भूले हुए हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, इस दौड़ में वो अपने बच्चों को भी भूले हुए हैं। मैं एक शहर में मुझे जाना पड़ा, मजबूर हुआ, चार घंटे लगे हमें वहाँ पहुँचने के। बहुत बड़ा मकान, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे, जी राधा स्वामी, सबसे पहले मुझे कहते बाबा जी आओ आपका मकान दिखाए। मैंने कहा मैं आपका मकान देखने नहीं आया हूँ, मैंने आपके मकान से क्या लेना, रात को तो बच गया मैं, बात करो जो करनी है, मुझे बुलाया है तो मेरे से बैठो बात करो, क्या बात करनी, दिमाग में तो दुनिया है, उनको क्या पता अध्यात्म क्या होता है, उनको क्या पता सत्संग क्या होता है, चलो जो भी खाया पिया सो गए, सुबह फिर वही बात, बाबा जी चलो आपको गाड़ियाँ दिखाएं, एक 1931 की गाड़ी मुझे दिखा दी, उसमें मुझे बिठा दिया, फिर बड़ी सारी और गाड़ी दिखाई, फिर और दिखाया, फिर तालाब दिखाए, फिर वो दिखाया, फिर मकान, पता नहीं किसने मकान, मैं कह बच्चे तो दिखाओ, बच्चे कहाँ हैं, वो किसी कमरे में, बच्चा किसी कमरे में, उनका कोई ध्यान नहीं है। आखिरी दफा चलते समय मैंने ये कह दिया कि आपका धन दौलत किस काम का, अगर तुम्हारे बच्चे ही नालायक निकले तो, अगर बच्चे ही नालायक निकले तो तुम्हारा ये धन दौलत मकान क्या करेंगे, इनकी तरफ ध्यान दो। आप नहीं अंदर का भजन कर सकते, आपके बस में नहीं है, बात समझ गए। मुझे दुख हुआ क्यों पैदा किए गए, समझ नहीं, वाई क्या जरूरत थी, बच्चे अपने रास्ते पर तो बाप बेटा जनानी अपने रास्ते पर, कोई फायदा नहीं। फिर एक जगह और मैं ठहरा जहाँ उन्होंने सबको बुलाया, शाम के सत्संग पर बुलाया, बड़ा सा कुकर डाल दिया दाल का, मैं कहा बेटे क्या आज शाम को बाबा जी सत्संग होगा, सब लोग आएंगे, बहुत अच्छी बात है। शाम को आ गए वो लोग, आ गए, वो टेबल लग गया, मैं सोफे पर बैठा हूँ, मेरे साथ एक सज्जन बैठा है, तो उनके बच्चे आए सीधे, उनको नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, पकौड़े समोसे ये उठा वो उठा, थाली भरी चले गए, फिर आए फिर ले गए, और बाल ऐसे जैसे नाचने वाले के होते हैं। एक लड़के का बाल, मैं क्या इसका मूंछा दिखा दो कैसा है, पूछा उनको तुम क्या करते हो, भाई बोली मैं डॉक्टर हूँ जी, काहे के डॉक्टर हो, क्या डॉक्टरी को करना, ये तुम्हारे बच्चे तो ये हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं जिनको ये भी पता नहीं है। फिर पकड़ कर लाए बाबा जी को मत्था टेक को, उसने एक हाथ में पकौड़ा पकड़ा हुआ तो एक हाथ से मुझे मत्था टेक के, मैं कहा मैं ही तो मैं मत्था टेकता हूँ,
बात समझ गए। बाबा फकीर जी ने ऊंची आवाज में कहा कि ए इंसान, तू औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा कर, जीवन में सुखी रहेगा, वरना तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये बाबा फकीर का कहना है। तुम जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपकी औलाद ठीक नहीं है तो तुम पछताओगे पछताओगे पछताओगे। ये पहला ज्ञान देता हूँ आपको, ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है कि हक हलाल की कमाई खाओ, तुम्हारी खुराक से तुम्हारा मन बनता है, तुम्हारे मन से तुम्हारा ख्याल बनता है, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा कर्म बनता है। तो कर्म कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कर्म कभी ठीक नहीं हो सकता। अब मैं अपनी बात बता दूं आपको कि मैं जहां जहां गया, जहां तो कुछ ठीक थे तो वहां नींद भी ठीक आती थी और स्वप्न भी ठीक आते थे। यहां वो थी, वहां रात को पता नहीं मुझे कैसे कैसे ड्रोने सपने आते थे। जहां मैंने खाना खाया, क्या कहा मैंने, खाने का असर तुम्हारे मन पर पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए संतों ने कहा जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, और मैंने इसमें बाबा फकीर की दया से जोड़ दिया, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल, जैसा तुम्हारा हाल वैसा तुम्हारा मन, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हारा कर्म बनेगा। ये बात को अगर आपने संत मत के रास्ते पर चलना है और उस चीज को प्राप्त करना है जिसका वर्णन कबीर साहब ने अपने शब्द में किया, तो आप सफल हो जाएंगे। वरना जहां मर्जी जाओ, इस मन तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, ये है ज्ञान जो मैं कहना चाहता हूँ। और फिर इस मन को समझो, ये है क्या। मैंने तो बाबा फकीर जी के, अगर मैं अपने खून से भी उनके सिफ्त लिखना चाहूँ तो पूरी नहीं होगी। जो उन्होंने कृपा मुझ पर की, मुझे दो ख्याल दिए उन्होंने पर्सनली, बातें तो पर्सनली बहुत की हुई हैं, लेकिन जिन बातों ने मेरे जीवन को बदला वो सिर्फ दो बातें हैं कि बुरे ख्याल को पानी नहीं देना बच्चा, बुरे बूटे को पानी नहीं देना, मैं बच गया। फिर आखिर में कह दिया कि किताब की, मन की किताब पढ़। वाह मेरे फकीर बाबा, इतनी कृपा की मेरे ऊपर, मुझे किताब ही ऐसी दे दी जिसका किताब ही ख़त्म हो गई। जहाँ किताब ख़त्म हो गई वहाँ वो है, कौन सा पढ़ो लाइन, वही पहले वाली, क्या नाम है, क्या आपने गाया गाँव के, एक लाइन बागर सब से न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। सखिया बागर सब से न्यारा, वहां है कहां, यहां मन की किताब खत्म हो गई। जहां मन है वहाँ सारे बखेड़े तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। और मन को समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, भाई अपना कर्म ठीक करो। कर्म वो होता है जिसमें किसी का हानि ना हो, किसी को दुख ना हो तुम्हारे कर्म से, किसी का नुकसान ना हो तुम्हारे कर्म से, तो उसको समझ लो कि वो ठीक है। और मैंने इसको कैसे किया, मैंने इसको क्या किया, जो भी कर्म मिला उसको सतगुरु का कर्म समझ के किया, मेरा नहीं है वो। मैं गया हूँ, मैं जहाँ गया मैं क्या, मेरे में कुछ अस्ति नहीं है, ये तो बाबा फकीर ने पर लगा दिए, मैं तुम्हारे पास आ गया, मेरे पर क्या क्या हस्ती है, कोई हस्ती नहीं है, ये बाबा फकीर ने मेरे पर लगा दिए हैं, मैं तुम्हारे घरों में आ गया हूँ,
मेरे पास कोई हस्ती है नहीं। क्या कहा मैंने? तुझे सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो उस बात को समझो जो मैं कही आपको। अपने मन का पहरा करो, अपने कर्म पर नजर रखो, अपनी नजरों को ठीक करो, अपने सुनने को ठीक करो, अपने खाने को ठीक करो। तीन चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये रसना बहुत बुरी है। मैं एक रोटी एक सब्जी के साथ खाता रहा, बाहर गया हूँ कोई चीज़ नहीं दोबारा ली ना, जो भी है एक फुलका दे दो भाई। बात समझ गए? अब मेरी बात समझ गए? कोई ऐसे पंजाबी घर मिले मुझे जो बाबा फकीर के साथ ले गए हुए थे, बाबा फकीर जैसे चाहां वाले सरदार अमर सिंह के लड़के दयाल सिंह, वो उन्होंने मुझे बुलाया, टिकट भेज दिया मुझे भाई यार। और वहाँ तो फिर मक्की की रोटी और साग और फिर घी में शक्कर, बाबा जी ये भी खाना? मैं क्या, हाँ ये बात ठीक, आधी रोटी खा लूँगा। बात समझ गए? तो जो प्रेम के मेरे प्यारे थे, जो गुरु के प्यारे थे, वो मेरे प्यारे हैं। वहाँ मैंने परहेज नहीं किया, आपको सच्ची बात बताता हूँ। तो वहाँ नींद भी बड़ी फर्स्ट क्लास आई। सुबह पता लगा 4 बजे गए, उठ जा, वहाँ का टाइम बड़ा फ़र्क है। लेकिन मेरे 4 बजे ही नींद खुल जाती थी, पूरे टाइम 4 बजे। तो क्या कह रहा हूँ, आप सत्संग में आए हो, 1.5 महीने के बाद मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। कुछ ले जाओ, क्या ले जाओ? अपने मन को साधने की शिक्षा ले जाओ। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी नज़र मतलब क्या, सुरत की नज़र, मन की नज़र नहीं। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो नज़र और है, उसमें कोई द्वेष नहीं है, उसमें कोई पराया नहीं है, उसमें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। वहाँ उसमें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा आँख बंद करके उसको देखा करो, तुम कौन हो? मेरा यही सवाल था संतों के साथ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से, वो रास्ता बता दो। भटका ही हुआ होता था ना, पता ही नहीं लगता था कि मैं क्यों आया दुनिया में, किस लिए आया। जब मर ही जाना तो आए क्यों? जब मरना ही है तो आए क्यों? पता लग गया मरना भी है नहीं, मरना शरीर का है, मन का है, आत्मा का है, और मरना नहीं है। क्या कहा मैंने? अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। बैठो, बैठने की कोशिश करो, फिर देखो तुम्हें नज़ारा आ जाएगा। आगे पढ़ो। सतगुरु सब कुछ चल सके, गुरु की हाट है ज्ञान बुद्धि लाइए, कि जैसा है उसे परम पद पाइए। बात उन्होंने कह दी कि ज्ञान की बुद्धि लाओ, ज्ञान के साथ जीवन को जीना है। क्या समझे? दुनिया में ज्ञान, मैं बताया करता हूँ, समझ है, ज्ञान है, विवेक है और अनुभव है। 4 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। समझ तो माता पिता से मिल जाती है, विवेक सत्संग में मिलता है, ज्ञान भी सत्संग में मिलता है। ज्ञान किसका? अपने आप का, आत्मा, आत्मिक ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जो 5 नाम दिया जाता है संत मत में, उसका भी यही मतलब है 5 नाम का, और वो गृहस्थियों के लिए जरूरी है 5 नाम। क्यों? क्योंकि पहले सस्तल कमल पर आप जो शब्द का उच्चारण करेंगे, उससे तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर आपकी विल पावर बढ़ जाएगी,
और आप जो चाहोगे तुम्हें मिलता रहेगा यहाँ यहाँ आने से। लेकिन अगर आपके अंदर बुराई है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर कामना है, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसे पहले मन का हुजरा साफ कर, अपने आप को पहले साफ करो, कोई बुरा ख्याल नहीं रखना। हाँ, अगर आप इस ख्याल से नाम जपोगे कि मेरे अंदर की बुराइयाँ दूर हो जाएं, वो हो जाएंगी। पहले स्थान पर तुम केवल ये प्रार्थना करो कि सच्चे पातशाह, ऐ संसार में पैदा करने वाले मुझे, ऐ कर्ता पुरुष, मेरे अंदर की सब बुराइयों को साफ कर दे। इस इच्छा को लेकर अपने मन में सिमरन करो, तुम्हारी बुराइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दूसरे स्थान पर जाओगे, त्रिकुटी है, वहाँ गुरु के दर्शन करो, तुम्हें विवेक जाग जाएगा, अच्छे बुरे का पता लग जाएगा। तीसरे स्थान पर जाओगे, सुन हो जाओगे, शीर सुन हो जाएगा, तुम्हें मस्ती मिलेगी। और चौथे स्थान पर जाओगे, महासुन में, तो तुम्हारा मन भी सुन हो जाएगा। वहाँ तुम एक अजीब सी हस्ती, एक अजीब सी मस्ती पर महसूस करोगे, तुम्हें दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, हर वक्त मस्त, जैसे शराबी प्रवाह नहीं करता, ऐसे तुम्हारी हालत हो जाएगी। लेकिन ये हालत बुरी है। और फिर आगे भंवर गुफा है, वहाँ जाओ, तुम्हें आनंद मिलेगा, आत्मिक आनंद मिलेगा, तुम्हें पता लगेगा कि जो कुछ अब तक है ये मन है और कुछ भी नहीं। और फिर गुरु कृपा से तुम आगे सत्याकार करोगे, यहाँ यहाँ पहुँच जाओगे, आगे प्रकाश है और फिर उसके आगे शब्द है। वहाँ मन नहीं है, वहाँ मन नहीं है, जहाँ मन नहीं है वहाँ मेरा पिया बैठा है। क्या कहा अब, यहाँ क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या कहते हैं, कर साहेब से हेत परम पद पाई। ध्यान से सुनना, अब यहाँ शब्द सतगुरु का इस्तेमाल किया गया है, गुरु ने किया, कबीर साहब ने यहाँ शब्द गुरु का इस्तेमाल नहीं किया, सतगुरु का किया है। इसका मतलब तो सतगुरु कोई और है, गुरु बाहर है, शरीर धारण किए हुए बैठा है, आपकी तरह का है, तुम्हें गाइड करने वाला है, वो तुम्हें सलाह देने वाला है, तुम्हारे सवाल का जवाब देने वाला है, वो गुरु है। गुरु, गुरु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी, तुम्हारे अंदर की अंधेरे को, तुम्हारे बहमों को, तुम्हारे जो बाहर के संस्कार हैं उनको वो ठीक करने का संस्कार देता है, वो गुरु है। सतगुरु तुम्हारे अंदर है। क्या कहा, वो कहते हैं चल सतगुरु की हाट, तो सतगुरु की हाट मानवता मंदिर में नहीं है, वो यहाँ है, तुम्हारे अंदर है। वहाँ क्या है, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध पाइए, वहाँ पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव हो जाएगा, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये मरना जीना क्या है, वो सब क्लियर हो जाएगा। क्या कहा मैंने, कर साहब से हेत, और फिर प्यार किससे करना, उस साहब से जो तुम्हारे घट में बैठा है। आहा, बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, कर साहब से हेत परम पद पाइए, बाहर के गुरु के साथ हेत करने से परम पद नहीं मिलेगा। बाबा फकीर जी महाराज यही कहते थे, मेरे पैर धो धो कर पीते जाओ, मुझे कपड़े पहनाते जाओ, मेरे मंदिर के चार कमरे बना दो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा जब तुम मेरी बात पर चलोगे। मेरी बात को पकड़ा आप लोगों ने, तो क्या कहते हैं, चल सतगुरु की हेठ परम पद पाइए, परम पद वहाँ मिलेगा आपको, वो परम पद है। कहाँ है, तुम्हारे घट में, परम पद में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पद है, वहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता संत। जहाँ मैं, मुझे बातें याद आती हैं बाबा की, एक समय की, एक काजी आते थे अलीगढ़ से, मेरे को भी बड़ा प्यार करते थे, मुझे कमल नहीं कहते थे, कमाल साहब कहते थे, कमाल साहब। तो एक दफ़ा उन्हें कहते, कमाल साहब मेरी किताब भी ट्रांसलेशन कर दो, अपनी जीवनी, वो मैं कर दी, बड़ा प्यार करते थे। एक दफ़ा हम बैठे, वो भी बैठे,
महाराज जी से कहते, महाराज जी मेरी एक बेनती है, बैसाखी आ रही थी, अगर आप आज्ञा दो तो मैं फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आपके चरणों में बुला लूं। उसने कहा बैसाखी पर वो आ जाएगा, मेरा बड़ मित्र है। महाराज कहते काजी साहब, पता नहीं उनका नाम था कुछ, कादरी साहब, कादरी बाबा, मुझे इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ मेरी संगत होगी, उसने आना तो मेरे संग, मेरा बाबा जी का ये ट्रस्ट का ट्रस्ट है, या तो सारी पुलिस ही पुलिस आ जानी है, तो मेरी संगत कहाँ जाएगी। मैं नहीं, मुझे नहीं कुछ जरूरत ऐसे प्रेसिडेंट के लाने की। फिर आ गए मोरारजी देसाई यहाँ, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ से किसी ने उनको बता दिया कि जहाँ बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उन्होंने कहा अच्छा उनको ले आओ, मैं दर्शन करूँगा। डीसी के बंदे थे आ गए, मैं भी यहीं था, महाराज आपको दर्शन करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। बाबा जी कहते प्राइम मिनिस्टर को कहो अपने घर होगा प्राइम मिनिस्टर, मैंने कुछ नहीं लेना देना, उसने आना तो यहाँ आ जाए जवाब। ये है संत गति, ये है परम पद। वहां प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं है, मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, वो है परम पद, जिस उस पद से बाबा फकीर बात करते थे। क्या कहा मैंने, तो तुम चाहते हो परम पद पाना, तो क्या कहा कबीर साहब ने, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यही कहा ना, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो तुम्हारा असली प्यारा तो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम कहाँ भटक रहे हो, किससे मांगते हो, कौन देने वाला है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। बाबा फकीर जी महाराज ने बड़े दर्द दिल से कहा कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जिंदगी में जरूरत पड़े, कोई भी जिंदगी में तकलीफ आए, अपने कमरे में जाओ, वहां सच्चे होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो जाएगी, क्योंकि वो कबूल करने वाला तुम्हारे अपने अंदर बैठा है। कौन है वो? वो माल के कुल की अंश है, जब माल के कुल की अंश दुखी होगी तो उसको सुनना पड़ेगा, वो मन से दुखी हुए कि नहीं सुनता, तुम्हारे मन की बात को नहीं मानेगा, तुम्हारी आत्मा की बात को भी नहीं मानेगा, तुम्हारे हाथ की पूजा किए हुए को भी नहीं मानेगा, वो जब मानेगा तुम्हारे अंतर की आवाज़ को सुनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बाबा फकीर का सत्संग है, तुम्हारे बाहर की दिखावट से कोई उससे लेना देना नहीं है, तुम्हारे मन की स्थूल पूजा से कोई लेना देना नहीं है, जितने मर्जी दिवालियाँ मनाते जाओ, जितने मर्जी दशहरे मनाते जाओ, के जी सच्चाई सच्चाई ने बुराई पर फतेह पा ली, कहाँ फतेह पाली, कहाँ पाई फतेह, हर साल कितने रावण जलाए जाते हैं, जितने रावण जलाए जाते हैं उससे दो गुना रावण और इंडिया में पैदा हो रहे हैं, राम नहीं पैदा हो रहा। क्या कहा मैंने, कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुनता, जब डंडा पड़ेगा कुदरत का तो सभी हाय हाय करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ वो है, वो अभी देख रहा है कि मेरे ये मेरे चेले चांटे क्या कर रहे हैं, ये गुरु लोग क्या कर रहे हैं, ये ढेरों वाले क्या कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। क्या कहा मैंने, कर साहब से हेत परम पद पाइए, अरे तुम्हारे घट में है, घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। गुरु नानक ने कहा जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भर्म की काई, कब अपने आप को देखा, देखो पहले तुम कौन हो, बाकियों का बाद में देखेंगे। मैं नहीं, दाता दयाल ने क्या कहा, मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक, ईश ब्रह्म ना जानूं, मैं नहीं इनको मानता, ईश ब्रह्म ना जानूं,
मैं हूँ एक फकीर दीवाना, उसे सबसे ऊंचा मानो। जो फकीर मोहे दर्शन देवे, अपना भाग सराहूं, अपने तन की जाम की जूती पग फकीर पहनाऊ। ये दाता दयाल कह रहे हैं कि मेरा फकीर मुझे मिल जाए तो मैं अपने जाम की जूती भी उनको पहना दूंगा। आप एक फकीर के दरबार में बैठे हैं, मैं बड़े तह दिल से आपसे प्यार करता हूँ कि तुम जिस इच्छा को लेकर आए हो, मालिक आपकी इच्छा पूरी करे। मैंने मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, क्या कहा मैंने? ये अभी लफाफे थे, सब जमा करवा दिए, जो पैसे लोगे इस पर भी अपना नाम लिख दो, लफाफा बंद कर दो, ऊपर लिख दो मानता मंदिर के लिए। क्या कहा मैंने? आगे चलो, आगे चलो। सतगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु न रहो, हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लहो। यही लाइन बड़ ऊंची भाई, कहो भेजे लाइन। सतगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु न रहो। कबीर साहब, वो सतगुरु जो तुम्हारे अंदर है, वो सब कुछ दे रहा है, देने को तैयार है, देता है, वो कोई चीज छोड़ता नहीं है। लेकिन हम ही अभागन हैं कि हमें मांगना नहीं आता। क्या कहा? सभी इच्छा पूरी हो जो सतगुरु दया करे, ऐसा लिखा है। सतगुरु कहा, गुरु नहीं कहा। यही बहुत धोखा खा गए हम। हम वही बैठे दौड़े हैं, उनके दर्शन दर्शन हो जाए, गुरु महाराज के दर्शन हो गए, सतगुरु के दर्शन हो गए, ऐसे नहीं बेड़ा पार होगा। स्वामी जी राय सालग्राम साहब लिखते हैं, सखीरी मुझे मत रोको, मैंने जाना सतगुरु द्वार। सखीरी मुझे मत रोको, ऐसे सखी मीन मन की इच्छाएं, मुझे मत रोको, मैंने अपने सतगुरु के पास जाना है। सतगुरु मेरा अदर बराचे, कहाँ है मेरा सतगुरु? सतगुरु मेरा अदर बराचे, जहाँ संतन का वास वहाँ संत रहते हैं। मैंने क्लियर कर दिया ना, सतगुरु की पोजीशन क्लियर कर दी आपको कि वो कहाँ है? अंदर है। क्या देगा? फिर पढ़ो वही लाइन। सतगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु न रहो, हम ही अभागिनी नारी, सुख तजे दुख लहो। हमने उसको छोड़ दिया, हम बाहर मांगते फिरते हैं और फिर दुखी होते हैं, सुख भी लेते हैं, सुख भी लेते हैं, सब कुछ हमको मिलता है। हम अभागी नहीं तो और क्या है? बाहर उस मालिक के मालिक को छोड़कर उस परम तत्व को छोड़कर जो सर्वव्यापक है, जो घट घट का वासी है, जो सारी कायनात उसके अधीन है, सारी कायनात में वो बिखरा हुआ है, हर जगह उसका स्थान है। बलहारी कुदरत बसया, तेरा अंत न जाए लिखिया। वो तो कुदरत में बसा हुआ है, लेकिन हम उसको कहाँ बंद कर दिया? मंदिर में बंद कर दिया। हम उसको गिरजाघर में बंद कर दिया, हमने उसको किसी और चीज में बंद कर दिया, तो हम अभागे नहीं हैं? क्या कहा मैंने? एक संत थे बैठे हुए, मेरी तरफ बैठे बात कर रहे हैं। मैं तो संत नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो एक आदमी कहता, बाबा, हाँ बच्चा, आपने भगवान देखा है? हाँ बेटा, मैंने देखा है, मुझे भी दिखा दो। कहते अच्छा, ठहर, संतों के पास जानवर ऐसे घूमते हैं जो अकेले रहते हैं ना आश्रमों में, वहाँ किसी का लेना देना नहीं है, वहाँ सांप भी है, उनके पास आते हैं, सब तरह के आते हैं। वो संत संत गति नहीं होती, वो एक और गति है। उन्होंने कबूतर पकड़ा, उसको दे दिया, ये ले, इसको ले जा और ऐसी जगह मार के ले आ जहाँ कोई ना देखे। बात समझ रहे? उन्हें पकड़ा, ले कहता, बाबा ये तो कोई गल ही नहीं। वो गया दीवार के इधर, चला गया,
वहाँ जाके लगा उसको मारने, तो ओहो कबूतर देख रहा है, कबूतर देख रहा है, अपनी जेब से माल निकाला तो आधा फाड़ के उसकी आंख पर बांध दिया, वो नहीं देख रहा। फिर लगा मारने, फिर ख्याल आया बाबे ने क्या सी कोई ना देखे मैं देख रहा हूँ, तो वो रुमाल बाकी अपनी आंखों में बांध लिया। फिर लगा मारने, फिर आवाज़ आई, अब तू भी नहीं देख रहा, कबूतर भी नहीं देख रहा, कोई और देख रहा है, और वो कौन है उसकी हस्ती। आके पैर ही पड़ गया, कहना बाबा जी वो तो हर जगह ही हैगा, मैं नहीं इनू मार सकता, वो देखता ना, मैं देखता सी ना कबूतर, लेकिन वो देखता सी, मैं डर गया, मैनू माफ़ कर दियो। वो हर स्थान पर है, मगर हमारी देखने की आंख नहीं है। हम उसको कब देखते हैं या याद करते हैं, जब हमें तकलीफ होती है, हम में वैसे हम उसको याद नहीं करते, तू कौन थे मैं कौन, हम दुख में उसको याद करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, जा सुख में सिमरन करे दुख काहे को। क्या कहा कबीर साहब ने, तो फैसला ही कर दिया, अरे सुख मिला है तो उसको याद कर लो, दुख मिला है तो अपना कर्म भोग लो, फिर उससे मांगो नहीं, तुम्हारा अपना कर्म है भोग लो उसको, फिर हाय है क्यों करते हो। तुम्हारा कर्म कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, ना गुरु ना भगवान ना देवी ना देवता, तुम्हारा कर्म कोई नहीं काट सकता। जेहा बीजे से लूणे कर्मा संदरा खेत, जो तुमने बोया है वो तुम्हें ही काटना पड़ेगा, और वो है तुम्हारा ख्याल, वो तुम्हारा ख्याल है, ये संतों ने कहा है। यह बीजे कौन सा ख्याल, ख्याल कहाँ जाता है, वो ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड से वापस आता है और तुम्हें ताकत देता है। बुरा का ख्याल है तो बुरा वापस आएगा, तुम्हें ताकत बुरी मिल जाएगी, तुम बुरा कर्म कर बैठोगे, अच्छा ख्याल भेजोगे अच्छा आएगा, अच्छा कर्म कर बैठोगे। बात को समझो, तुम्हारा ख्याल कभी भी जाया नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा, सर्वत का भला, सर्वे भवंतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, संस्कृत में भी कहा सबका भला, सबके भले में मेरा भला। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, आगे पढ़ो। गई पिया के महल, पिया संग नरची, फिर पढ़ो। गई पिया के महल, पिया संग नरची, हृदय कपट रहो छाए, मान लज्जा भरी। वाह कबीर साहब, पिया का महल कहाँ है, ये है पिया का महल, ये है। कबीर साहब कहते हैं पिया के महल में गई है, लेकिन पिया से मिली नहीं है और बाहर भटकती रही। आहा कौन समझे कबीर साहब तेरी वाणी को, ये बाबा फकीर कह रहा है कि ये है महल तुम्हारा असली, वो महल माड़ियाँ दस दस कमरे पचास पचास कमरे, वो काम नहीं आएंगे, रात भी नहीं रखेगा कोई, सूर्य छिपने से पहले कहते जो अच्छा आ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई ले चलो, रात को बच्चे डरेंगे। क्या कहा मैंने, पढ़ो वही लाइन। गई पिया के महल, पिया संग रची, हृदय कपट हो छाए, मान लज्जा भरे। क्या हो गया, कबीर साहब कहते हैं इसको किस बात की लज्जा हो गई, किस बात की शर्म हो गई अपने पिया से मिलने की, इसको क्या हो गया, ये बारी भटकती रही, पिया तो अंदर बैठा था महल में, इसने उसको जाना ही नहीं, कोशिश ही नहीं की जाने की, वहाँ तक बस आंखों तक सीमित रही, मन की दौड़ तक सीमित रही, और कुछ देखा ही नहीं। अरे हमारे शरीर की सीमा है,
हमारे शरीर की सीमा क्या है? 3.5 हाथ। ऐसे लंबा पड़ जाओ तुम्हारे 3.5 हाथ तुम्हारा शरीर है। मन की सीमा क्या है? जहाँ तक मन ने देखा हुआ है उसको पता है, उसके पता नहीं पता। जहाँ जहाँ मैं अमेरिका में गया हूँ उसका सीन मेरे अंदर है, जहाँ मैं नहीं गया मुझे नहीं पता। कनाडा जहाँ गया मुझे उस घर का पता है, जहाँ मैं नहीं गया मुझे नहीं पता। तो मन कहाँ तक है? जहाँ तक तुमने कुछ देखा हुआ है, या जहाँ तक तुमने कुछ सुना हुआ है, या जहाँ तक तुम्हें कोई स्वाद लिया हुआ है, तुम्हें पता है इस चीज़ का स्वाद क्या है। जो खाया नहीं उसका स्वाद क्या लगेगा पता? क्या कहा मैंने? तो मन की भी सीमा है। आत्मा की सीमा प्रकाश है, आत्मा की सीमा बहुत बड़ी है, तीनों से बड़ी है, बहुत बड़ी सीमा है। और सुरत की सीमा सर्वव्यापक है। क्या कहा मैंने? सुरत की सीमा सर्वव्यापक है। यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा कि मैं जब प्रकाश देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये शब्द को सुनने वाला और प्रकाश को देखने वाला कौन है? उसकी मुझे सीमा नहीं मिलती, मैं सर्वव्यापक हो जाता हूँ। क्या कहा? और यही दाता दयाल ने महाराज के लिए लिखा था, रूप तेरा फकीरा, रूप तेरा आदि प्यारा फकीरा। लास्ट लाइन में कहा, राधा स्वामी दया से तू व्यापक संसारा। इसलिए मुझे कोई कहे बाबा फकीर है नहीं, मैं कहता हूँ तेरी आँख ही नहीं है। बाबा फकीर तो हाजिर है, बाबा फकीर तो हाजिर है। सुन लो, पहचानो, देखो, पहचानो और समझो। कहते तुम वहाँ पिया के पास क्यों नहीं गई? अपने पिया को अपने महल में रहती हुई क्यों नहीं मिली? फिर पढ़ो आगे। जहाँ गैल सिलहली चढ़ो गिरी गिरी परो। वो कहते वो रास्ता क्या है? वो रास्ता बड़ा तिलकण वाला है, ऊपर जाना है ना, वो तिलकण वाला रास्ता है। गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, तब वहां पहुंच जाओगे। क्या कहा? फिर पढ़ो। जहां गैल सिलहली चढ़ो गिरी गिरी परो, उठो सम्हारी सम्हारे चरण आगे धरो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। संतों ने बताया है कि पहले चींटी की चाल चलो, चींटी या चींटी चलती है। फिर कहा बंदर की चाल चलो, फिर कहा खग की चाल चलो, पक्षी की चाल, एक जगह उठे दूसरी जगह पहुंच गए, और तीसरी जगह कुछ और कहा है उन्होंने। हाँ, मछली की चाल चलो। मछली कहाँ चलती है? जहाँ से पानी आता है। तो अंदर क्या है? अंदर धुन है, यहाँ शब्द हो रहा है। तो कभी संतों ने कहा कि फिर धुन को पकड़ो, फिर ऊपर को चलो। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारे अंदर है, बाहर थोड़ी है। बाहर के बाजे सुनकर जा, डांस देखकर जा, बाकी कुछ सुनकर तुम पार हो जाओगे। वो है शब्द, वो है असली सोर्स। और वो शब्द कहाँ से आता है? वो तुम्हारे अपने सेल्फ का शब्द है। इसलिए सतगुरु बाबा फकीर जी ने साबित कर दिया कि ऐ इंसान, तेरी सुरत ही तेरा गुरु है और तेरी सुरत ही तेरा मालिक है। क्या कहा मैंने? तुम ही हो सब कुछ, लेकिन मन में नहीं। मन में तुम बाप भी हो, बेटा भी हो, पति भी हो, पत्नी भी हो, सब कुछ बनो, लेकिन वहां से मत गिरो। वहां तुम्हारा वो घर है। एक ना एक दिन तो ये सब कुछ नाश हो जाएगा, वो नाश नहीं होगा। तुम्हारा रूप अविनाशी है, बाकी सब कुछ नाशवान है। क्या कहा मैंने? क्या कहते हैं? तुम चलो अंदर, चलो गिरो, फिर चलो, फिर एक दिन पहुंच जाओगे भाई। क्या कहा मैंने? एक दिन का तो काम है नहीं, हिम्मत करो। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता? कौन सा मसला हल है जो हल हो नहीं सकता? तुम उसकी इच्छा तो करो, तुम उसकी इच्छा करो, इच्छा सवेरे शाम जब टाइम मिले
मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मन के लूप पर ध्यान पैदा हो जाएगा। फिर आगे सुरत में चल जाओ, सुरत के रूप में प्रकाश को देखो और फिर आत्मिक रूप में, फिर अपने रूप में प्रकाश और शब्द में चल जाओगे। आगे पढ़ोगे क्या कहते हैं, जो पिया मिलने की चाह, अगर तुम्हें चाह है पिया मिलने की, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई मंदिर नहीं है, वो कोई तीर्थ स्थान नहीं है, सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है। जो पिया मिलन की चाह है तो क्या करो, आगे चलो। जो पिया मिलन की चाह, कौन तेरो लाज है, क्या है तुम्हें प्रॉब्लम, क्या है था? कबीर साहब कहते थे प्रॉब्लम की है दस। अगर मिलो किन जाए, भला दिन आज है, वही दिन भला है जिस दिन तुम उससे मिल जाओगे, वही दिन भला है, बाकी कोई दिन भला नहीं है। तुम्हें किस बात की है, किस बात की कमी, कोई कमी है बताओ, क्या कोई सामग्री चाहिए, क्या घी चाहिए, बादाम चाहिए, किशमिश चाहिए, उसको शब्द पिलाने वाली वो दिया जलाने के लिए चाहिए, या कोई अगरबत्ती चाहिए जलाने के लिए, कोई स्थान चाहिए बनाने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए रे, तुम्हारा अपना आपा चाहिए, मन चाहिए बस। गुरु को बेचे सदगुरु पास, जिससे आप साहेब के कार्य तो सबके कार्य रास, उसके कार्य सारे रास हो जाते हैं। आगे पढ़ो। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, बहुत संजोग की बात है कि तुम्हें ये शरीर मिला है। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अगर कहीं हैं, वो भी तड़प रहे हैं कि हमें जन्म मिल जाए तो हम भी पार हो जाएं। ये कहा है संतों ने कि जितने देवी देवता हैं, सुर नर हैं, जो ब्रह्म वहाँ पर बैठे हुए इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनको जन्म नहीं हो रहा, वो भी तरस रहे हैं। कबीर कहते हैं तुम्हारा बड़ा संजोग हुआ कि तुम्हें जब सुंदर चोलना मिला, क्या इस चोले को बनाने में तुमने कुछ किया? मुझे तो पता कि मैंने कुछ नहीं किया, बनाने बना ले मुझे बनाया, इसमें क्या डाला ये उसकी मौज है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता किसी खास मकसद के लिए बनाता है, हमें भी उसने खास मकसद के लिए बनाया, यहाँ यूं ही नहीं मिट्टी छानने के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमने तो अपने आप को पहचाना ही नहीं कि हम आए क्यों, उसने हमें क्यों बनाया। अरे उसने खास मकसद के लिए बनाया, वो मकसद क्या है मैं वो पूरा कर रहा हूँ, जो मुझे ड्यूटी दी मेरे बाप की ने मैं वो कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने, भला हुआ संजोग जो प्यार का चोलना मिला, जे चीज भला बना संजोग प्रेम का चोलना, साहब तो तुम्हारा देख रहा है तुम्हें, वो तो इंतजार कर रहा है। आगे, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए। अब कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हारा गुरु, गुरु तो होना चाहिए, गुरु के बगैर गत तो है नहीं, क्योंकि गुरु रास्ता बताता है। आप मेरी बात समझ गए, गुरु रास्ता बताता है, अगर रास्ता तुम्हें ठीक नहीं मिला तो उसको जाके पूछ लो। लेकिन आज का आज है किसी के गुरु के पास टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है, दर्शन कर लो बस काफ़ी है। वो कहते हैं अगर कहीं तुम्हें से गलती हो गई और गुरु नाराज़ है कि बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, गुरु किस बात से नाराज़ होगा, सिर्फ इस बात से कि मेरी बात नहीं मानी, क्या करने आते हो मेरे पास, अगर बाबा फकीर जी का अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी क्यों आते हो, क्यों आते हो,
यही कहते थे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे से कुछ करवाना चाहते हैं, तुम नहीं करते हो, तो वह रूठेंगे, उनको दुख होता है किस बच्चे को मैंने प्यार किया और ये मेरी बात नहीं मानी, तो फिर वो थोड़ा महसूस करते हैं। तो कहते जाओ उनसे माफ़ी मांग लो, बाबा जी मेरे से गलती हो गई, मैं उस रास्ते पर नहीं चल सका, मैं एक दोबारा मुझे आदेश दे हुआ कर लूँगा। फिर बोलो जो गुरु रूठे हो तो तुरंत मनाइए, हुई है दीन अभी रे चूक बकसाइए। दीन बन जाओ, दीन बन जाओ। दीन वो होता है, दीन वो नहीं है कि जिसके पास रोटी नहीं कपड़ा नहीं है, दीन वो होता है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं समझता कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरा केवल गुरु है और कोई नहीं, वो दीन है। कहते दीन अधीन हो जाओ उनके, भाई जो कुछ दिया आपने दिया, मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारी बात सुन जाएगा, बात समझ गए। जब तुम अटैच हो जाते हो, कहीं कहीं फंस जाते हो, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरी कोठी, ये मेरा वो, फिर तुम अधीन नहीं हो, तुम दीन नहीं हो, तुम तो मालिक बने हुए हो, जबकि मालिक किसके हैं, तुम किसी के भी नहीं, तुम तो शरीर के भी मालिक नहीं हो, बताओ है। तुम अपने मन के भी मालिक नहीं हो, शरीर के भी मन मालिक नहीं हो, तो तुम्हें बार हमें ठेका लिया है मरने ला, मैं मेरा ये है मेरा वो, तुम्हारा जहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा अगर है तो वो सतगुरु है और वो तुम्हारे घट में बैठा है, वो बाहर नहीं है, उसके हो जाओ तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। आगे जो गुरु हो ये दयाल है, दया दिल हेरी है, जो गुरु हो ये दयाल है, दया दिल हेरी है, कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी है। कहते गुरु दयाल है, वो दया कर देगा, तुम जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे काए कबीर समझाए, समझे हृदय धरो, फिर पढ़ो काए कबीर समझाए, समझे हृदय धरो, जुगल जुगल करो राजे अस दुर्मति परिहरो। मैं समझा नहीं आखिरी लाइन क्या है। काए कबीर समझाए, समझे हृदय धरो, जुगल जुगल करो राजे दुर्मति परिहरो। दुर्मति दूर करो, दुर्मति दूर करो, जो गुरु ने कही बात उसको मानो, उस पर चलो, सत्संग में आए हो तो जो बात कही गई उसको पकड़ो। ये सत्संग किन के लिए है ये भी कह दो, ये सत्संग दुनियादारों के लिए नहीं है। आप में कौन आया है ऐसा जिसके लिए मैंने आज ये बोल दिया, मुझे नहीं पता, somebody must be here, कोई ना कोई ऐसा बैठा है जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये सारी बात कह दूँ। दुनियादार हो तुम, दुनियादार के लिए भी कह देता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, एक पर विश्वास करो। पहली बात, जगह जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है, जगह जगह धक्के डालने की जरूरत नहीं है, एक जगह एक रूप को मान लो बस, और उसको सब कुछ देने वाला मानो। एक बात। दूसरी बात, जिंदगी को जितना हो सके निस्वार्थ करो, स्वार्थ के लिए कुछ ना करो कि मेरा बन जाए बाकी जब मर जाए, ये भी कोशिश करो। ऐसे रहो, कैसे रहो, जैसे हवा का झोंका, जैसे बारिश का पानी, जैसे सूरज की किरण। मैं कुछ कह रहा हूँ, सूरज की किरण सब पर है ना, हवा का झोंका सबके लिए है ना, बारिश सबके लिए पड़ती है ना, ये ज़मीन सबको खाने को देती है ना, इनके पास चलो, इनको समझो ये क्या कहते हैं,
अशोक समझ रहा है बेटा, ये सब कुछ हमें क्या कहते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। पृथ्वी तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा करती है, सूर्य तुम्हें रोशनी देता है, दिन रात करता है ताकि रात को तुम सो जाओ, दिन को काम करो। ऐसे ये सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है, यहाँ दिन, अमेरिका यूरोप में रात, कहीं 5 घंटे का फर्क, कहीं 10 घंटे का फर्क, कहीं रात का फर्क, पूरे का पूरा। क्यों? क्यों उसने सबको रोशनी देनी है और सबको आराम भी देना है। सो जाओ, अब रात आ गई, अब तो ना कोई रात को सोता है ना दिन को सोता है। मैं एक जगह, बहुत देर की बात है, अपने बच्चे को चढ़ाने गया, बेटे को, तो जहाँ हम ठहरे थे रात को, उन्होंने भी, उसकी भी रात की फ्लाइट थी 2 बजे की, तो सामने क्या देखता हूँ, रात के 12 बजे गाड़ी आई, उसमें से आदमी उतरा, वो अंदर चला गया, आदमी उतरा वो अंदर चला गया, और 12:30 बजे उसी गाड़ी में अंदर से औरत आई, वो बैठ के चली गई। मैंने कहा देखो तो ये भी जिंदगी है, आदमी गया, आया, औरत को चली गई। बच्चों को कौन प्यार करेगा? सुनो मेरी बात को, दौड़ लगी हुई है, किसी को शुद्ध नहीं है, इस धरती माता की किसको शुद्ध नहीं है, इस सूर्य देवता की किसी को शुद्ध नहीं है, उस बारिश देने वाले को किसी की शुद्ध नहीं है, तो उस मालिक की शुद्ध किसने करनी? वो तो बहुत दूर है, उसकी कोई शुद्ध नहीं करता। इसलिए कबीर साहब ने ये बात कही है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा सतगुरु देने वाला है, उसको, उसके पास जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? दूसरा, अगर बच्चे पैदा हो गए हैं, उनका पालन पोषण ठीक करो, उनके डिसिप्लिन का ख्याल करो। आज हालात बहुत ख़राब हैं जो मैं देख के आया हूँ, अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, अभी मैंने कोई ऐसी हालत नहीं देखी, छोटे से दायरे में रहता हूँ, अपने बच्चों को जानता हूँ, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता मैं उधर नज़र नहीं मेरी जाती, उनको करेक्टर को रखो ख्याल, क्या कहा मैंने। और तीसरा, हक हलाल की कमाई करो, मन शांत रहेगा, और अपनी मेहनत कैसे किसी की मदद जरूर कर दिया करो, ये नहीं कि कहीं 10वां द्वार देना है, 10वां सिद्धा देना ना, जहाँ से तुम्हें कुछ मिला है वहाँ कुछ ना कुछ अपने कमाई का दे दिया करो, वो अच्छा है। ये डेरा है, ये बाबा फकीर की जगह है, आप लोग आते हैं, लंगर बनता है, बिजली चलती है, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, ये सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं ना, तो सेवा लो, लेकिन कुछ तो दे जाओ, समथिंग, ज़्यादा नहीं, हक लाल की कमाई। और नहीं, बाबा फकीर ने कहा अगर जहाँ तुम हराम का पैसा दोगे तो मंदिर नष्ट हो जाएगा, हक लाल का 1 पैसा दोगे तो मंदिर बच जाएगा। क्या कहा मैंने? सुखी रहो, मैंने बहुत कुछ कह दिया, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आप लोग को सतगुरु मेरा तंदुरुस्ती बख्शिश करे, खाने को अच्छी रोटी दे, रहने को मकान, पहनने को कपड़े, और मन को शांति दे, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो, मेरी यही अरदास है सतगुरु के आगे, सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।